हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इजी टेक के टिप्स की एक और नई पेशकश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि Redmi Note 9 के मोबाइल में हाल ही में कुछ दिन पहले 12.5.6.0 का एक नया अपडेट सभी Redmi Note 9 के यूज़र्स के लिए रोल आउट होना शुरू कर दिया गया था। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने दोस्तों इस अपडेट को अपने मोबाइल में अपडेट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अपडेट से रिलेटेड कौन कौन से नए नए फीचर्स हैं जो आपको इस अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं या आपको देखने को मिल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सब के बारे में जानेंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों हमारी ये मेहनत, हमारा ये इन्फॉर्मेशन Redmi Note 9 मोबाइल से रिलेटेड आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इसकी बैटरी ड्रेन टेस्ट, इसका चार्जिंग टेस्ट, सब चीज़ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चालू करते हैं आज की छोटी सी वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं पहले इस अपडेट से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे मोबाइल में कोई नया अपडेट आता है तो उस अपडेट से हमारे मोबाइल की बहुत सारी जो दोस्तों प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है। पर दोस्तों ये जुलाई मंथ का एकदम डिसअपॉइंटेड अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट में दोस्तों हमारी कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। बस इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स है दोस्तों ऐसे जो इस अपडेट ने सॉल्व किए हैं। पहले दोस्तों जिसका मेजर बग था वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लर कंट्रोल सेंटर था उसका था। आप देख सकते हैं कि इस अपडेट के बाद भी दोस्तों वही सेम ब्लर कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें व्हाइटिश कलर का, देखिए अब ग्रेइश कलर का आपको दोस्तों यहाँ पे वो बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। तो पहली बात तो दोस्तों यही है कि इन्हें इस अपडेट के बाद तो कम से कम दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है कंट्रोल सेंटर की, इसे दोस्तों उन्हें फिक्स करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने दोस्तों अब तक कुछ भी नहीं किया। आप दोस्तों और नीचे आ जाइए, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों आपको एकदम पुराना ही एकदम आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ भी दोस्तों इन्होंने कुछ भी नहीं बदला है। आप जैसे ही नीचे आओ दोस्तों, प्राइवेसी प्रोटेक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे भी। आप यहाँ भी देख सकते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में सेम, यूआई हर चीज़ दोस्तों हमको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों इन अपडेट में दोस्तों बस हमको एक ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों आपको लास्ट में बताऊंगा, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप स्पेशल फीचर में दोस्तों आके देखिए, यहाँ पे भी आपको देखिए गेम टर्बो में हो सकता है दोस्तों कुछ नए इस तरह का आपको यूआई देखने को मिल रहा है। तो ये हो सकता है दोस्तों आपको कुछ एक नया अपडेट यहाँ पे देखने को मिला होगा गेम टर्बो से रिलेटेड। इसका जो मेन दोस्तों यहाँ पे जो हमको जो गुड न्यूज़ है इस अपडेट से रिलेटेड, वो सिर्फ दोस्तों इसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों जब से मैंने इस मोबाइल में इस अपडेट को वो अपडेट किया है तो उसके बाद से मेरी जो मोबाइल की परफॉर्मेंस है दोस्तों वो थोड़ी सी दोस्तों सुधर गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपके भी मोबाइल में जो परफॉर्मेंस का इशू रहा होगा वो फिक्स हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि मेरी तो दोस्तों आप एकदम अब स्मूथ एकदम यूआई हो चुका है। मेरे मोबाइल के सभी इंटरफेस एकदम दोस्तों एकदम अच्छे से काम करते हैं, सभी ऐप्स एकदम दोस्तों आप जो ओपन क्लोजिंग। हाँ दोस्तों, इसका जो एक ड्रॉबैक है वो है दोस्तों सिर्फ इसका एनिमेशन। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल में जब एनिमेशन आप ऐप किसी भी ऑन करते थे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों ये एनिमेशन इस अपडेट के बाद टोटली दोस्तों हटा दिया गया है Xiaomi वालों की तरफ से। पता नहीं क्यों हटाया, पर दोस्तों ये सच है कि पूरा दोस्तों हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन जो आपको देखने को मिलता था वो कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल यूआई इसका रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और बैटरी ड्रेन टेस्ट या फिर और कुछ अपडेट से रिलेटेड कुछ नई बातें। तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।